ब्रांडिंग काफ़ी अच्छा है ये आई थिंक यूएस या मेरे ख्याल से यूरोपियन ब्रांड है, आई एम एक्चुअली नॉट टू श्योर। तो लेकिन हम देखते हैं कि इसकी खासियत और खूबियाँ क्या हैं। जैसे आप तो बॉक्स कंडीशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये थोड़ा पुराना है मेरे पास, और यूजेज में भी मैंने इसको लिया है बिकॉज एक छोटा सा रूम है मेरे पास जिसमें मैंने अपनी बाइक, दो में से एक बाइक मेरी पार्क है, स्पेशली इस लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। एक छोटा सा गैरेज, उसके ऊपर भी सामान है काफ़ी, इसमें काफ़ी सामान है, तो ऊपर भी कुछ टूल्स रखे हैं मेरे, ये पुराना हेलमेट पड़ा है, तो ऐसा कुछ सेटअप है। तो फिलहाल हम बात करते हैं स्टैनली के स्पैनर सेट की। ये जो स्पैनर सेट है ये इसमें 12 पीस हैं, और ये तकरीबन मुझे हो गया है इसको यूज़ करते हुए 2 से 2.5 साल। ये आप देख सकते हैं इसमें ये 12 पीस है, 6 नंबर से लेके 22 नंबर तक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 का इसमें नहीं मिलता है, 16 का नहीं मिलता है, 17 है, फिर 18 नहीं मिलता है, 19 आता है, फिर 20, 21 नहीं मिलता है, 22 है। बेसिकली ये सारे वो साइजेस हैं जो नॉर्मली मोस्टली यूज़ होते हैं। ये इसमें कोई वेनेडियम क्रोम की इसमें कोटिंग है, या इसमें मिक्सचर है, और एक इसमें एंटी स्लिप कुछ इन्होंने लॉक लगा रखा, जो एक्चुअल में काफ़ी फायदेमंद है बिकॉज मेरे पास जो हमारे पुराने टूल्स थे वो थोड़ा सा यूज़ होके वो स्लिप काफ़ी करते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी फायदेमंद है। मैं आपको एक इसको निकाल के दिखाता हूँ, ये टूल किट है, काफ़ी अच्छी है। थोड़ा सा जैसे यूज़ करते हो तो थोड़ा ये एक एक बार थोड़ा सा गंदा भी हो जाता है। ये इसका मॉडल है 70-964 स्टैनले स्पैनर सेट, और ये एक्चुअली कुछ ऐसी चीज़ है जो मैं पड़ोसियों को भी नहीं देता था, पड़ोसियों को भी नहीं देता, पड़ोसी के पास अगर गई, मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं है, वो चीज़ें फिर वापस आपको कम ही मिलती हैं, या मिलती हैं तो फिर वो उस हालत में नहीं मिलती। तो ये देखिए, ये इसका सेट है, इसकी फिनिशिंग देखिए कि फिनिशिंग है क्रोम वेनेडियम स्टील है, 22 नंबर है, ये सबसे बड़ा जो इसमें आता है, ये पाना है, ये शायद ही मैंने कभी यूज़ करा होगा, एक दो बार मैंने गाड़ी में कर लिया हो तो मुझे मालूम नहीं है, बट फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी है। हाँ जी, शायद मैंने इसको यूज़ करा है, थोड़ा इस पर एक साइन है अगर आप देखो, लेकिन इसमें ये जो एंटी स्लिप लॉक है यहाँ पे और यहाँ पे दोनों एजेस पे, और ये पाने की साइड से भी काफ़ी अच्छा है। तो एक्सपीरियंस काफ़ी बेहतरीन रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली जो इसमें नंबर्स हैं वो आई थिंक सारे के सारे 16 से नीचे वाले जो अपने हैं, 14, 13, 17 भी इसमें आता है यूज़, 12 से लेके 14, और फिर 16, 17, 16 हालांकि इसमें है नहीं, बट उसका मेरे पास एक अल्टरनेटिव है ऑलरेडी। ये देखिए, ये काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, 2.5-3 साल यूज़ करते हो गया, थोड़ा सा कई बार जैसे आप काम कर रहे हो तो हाथ पूरा क्लीन नहीं होते, हालांकि आई ऑलवेज कीप अ क्लोथ एट हैंडी, तो जैसे एक सॉफ्ट कपड़ा है जिसमें इसको साफ करके ही रखता हूँ कोशिश, बट कई बार थोड़ा सा रह जाता है, बट ऑल इन ऑल द टूल्स आपको अपने वैसे भी साफ रखने चाहिए। और ये विश्वकर्मा भगवान की भी एक इनसे एसोसिएशन है उनका, तो इसके अलावा भी है मेरे पास कुछ टूल्स जो थोड़ा पुराने हो रखे हैं, जो हम फिर कभी बात करेंगे। और इसके टूल्स में अगर मैं आपको बताऊं, इसकी जो फिनिशिंग में आप देखेंगे तो इसमें इसके मटेरियल में कुछ एक अलग ही बात है, आई डोंट नो अगर आपको दिख रही है वो इतनी क्लियरली, बिकॉज ये वीडियो मैं फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो इसकी फिट एंड फिनिश वो लाजवाब है, ज़बरदस्त है, वर्ल्ड का सबसे टॉप ब्रांड्स में से है, हिल्टी
स्टैनले और मेरे ख्याल से इसमें बॉश का मुझे श्योर नहीं है कि बॉश में भी टूल्स आते हैं कि नहीं, बट स्टैनले और हिल्टी में तो टूल्स फॉर श्योर आते हैं। मॉडल में मैंने बताया, और तो अगर आपको एक नॉर्मल घर के यूज़ के लिए अगर आपको चाहिए, अगर आपको पसंद है या आप कुछ मैकेनिकल थोड़ा सा वर्क करते हैं जो आई थिंक नॉर्मली करना भी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ आपको आदमी को पता होनी चाहिए घर में, तो आप ज़रूर कंसिडर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम और भी बातें करेंगे हैं, एक ज़ेडएमआर के रियर ब्रेक कैलिपर का एक मैंने वीडियो शूट करना है, तो वो भी बहुत जल्दी आएगा। बाकी इसके बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, एंड मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा उनका जवाब देने की। हालांकि ये थोड़ा नया चैनल है, बट नॉर्मल मैकेनिकल और हाउस होल्ड काफ़ी टाइम से थोड़ा बहुत ही देख लेता हूँ, बट स्टिल मैं मतलब खुशी होगी अगर वहाँ से देख के अगर वो चीज़ किसी के काम आती, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीज़ें देखी। सो आज के लिए आई थिंक इतना ही, इसके बाद अगर आपने कुछ और देखना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मेरे पास दो टूल सेट और है बड़े वाले जो बहुत ही अमेजिंग है, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, एंड कोरोना के टाइम पे जस्ट बी एट होम, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है अनलेस अंटिल आपको खाने कमाने जाना है, अदरवाइज बिल्कुल ना जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कॉन्टैक्ट्स बहुत ही मिनिमलिस्टिक करें, सब जीरो कर लो बाहर से अगर पॉसिबल है तो। एंड बी सेफ, टेक केयर।